बिलासपुर में सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त बड़े तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से व नशा तस्कर माफिया के विरुद्ध पुलिस की अपेक्षापूर्ण कार्रवाई के विरोध में रैली का आयोजन किया। ये रैली बिलासपुर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ हुई, जबकि इसका समापन जिलाधीश कार्यालय परिसर में हुआ। बिलासपुर में सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं बिलासपुर ने हाथों में बैनर लेकर व तख्तियां लेकर नशे के अवैध कारोबार में शामिल बड़े तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से नशा तस्कर माफिया के विरुद्ध पुलिस की अपेक्षापूर्ण कार्रवाई के विरोध में रैली का आयोजन किया। ये रैली बिलासपुर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरम्भ हुई, जबकि इसका समापन जिलाधीश कार्यालय परिसर में हुआ। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के समाज सेवियों ने आरोप लगाया है कि खेतों में फसल की रक्षा के लिए लगी ही फसल को खाने लग जाए तो ऐसे में बाढ़ की क्या आवश्यकता शेष बचती है। जब नशीले पदार्थ बेचने वाले सौदागरों को पकड़ने के लिए समाज सेवी सूचना देते हैं तो पुलिस कर्मियों के द्वारा रेड की जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि रेड से पूर्व ही पुलिस के कुछ कर्मी नशे के सौदागरों का रेड के प्रति सूचित कर देते हैं। जब रेड की जाती है तो अंदर कुंडी लगाकर समाज सेवियों को दूर रखा जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। उतने में नशे के सौदागर नशीले पदार्थों को टॉयलेट के माध्यम से गटर में बहा देते हैं। हमारे कहने का अर्थ मात्र इतना सा है कि नशीले पदार्थों के अवैध गैर कानूनी कारोबार में शामिल अपराधियों के गिरेवान तक पुलिस को सूचना उपलब्ध करवाकर सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवियों पुलिस कर्मियों की लचर कार्यशैली से समाज सेवी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। इस रैली का आयोजन नगर सुधार समिति के आह्वान पर आयोजित किया। रैली को संबोधित करते हुए समाज सेवियों ने रोष प्रकट किया कि पुलिस के सामने अवैध नशा बेचने के आरोपी ने समिति के प्रधान दिनेश कुमार व मुनीर अख्तर लाली को जान से मार देने की धमकियां दी, गालियां दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। गत 6 सितंबर को जब पुलिस ने नशे को पकड़ने के लिए डियारा सेक्टर में छापेमारी की तो इस छापेमारी के दौरान ही आरोपी ने समिति के प्रेस सचिव तनु सोनी, कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र सिंह सहित अन्य कई लोगों के सामने ये धमकियां दी। समाज सेवी संस्थाओं ने जिलाधीश राजेश्वर गोयल के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित स्तरीय जांच कर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा आरोपी को गालियां देते समय जो पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये भी विवरण दिया गया कि समाज सेवा में लगी संस्थाओं के लोगों को यदि ऐसी धमकी मिल सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। चेतावनी भी दी गई कि यदि नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो समाज सेवी संस्थाएं मिलकर नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ वो पुलिस द्वारा इसे रोकने के ढुलमुल रवैये के खिलाफ उग्र जन आंदोलन खड़ा करेगी। जो रैली प्रदर्शन है वो चिट्टा नशे के खिलाफ है और जो यहाँ नशेड़ी और नशे के तस्कर सरेआम धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ है। और जो पुलिस वाले जो हमारी संस्था का सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ है। और जो नीचे के अधिकारी जो है ऊपर तक अधिकारियों तक हमारी बात नहीं पहुंचाते उनके खिलाफ है। तो आज का हमारा बिल्कुल यही उद्देश्य है कि बिलासपुर से इस चिट्टा नामक नशे को मिटाना है। उसके लिए हम सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई है और उसके लिए हमने रैली निकाली हुई है और हम इस रैली के माध्यम से अपने बिलासपुर वासियों को और जो चिट्टे के तस्कर हैं उनको चेताना चाहते हैं कि या तो वो बिलासपुर छोड़ दे, यहाँ से भाग जाए, या चिट्टे का कारोबार बंद कर दे। नहीं तो यहाँ की जनता उग्र हो चुकी है, चिट्टे के नशे के खिलाफ हो चुकी है। हम आपके घर का घेराव करेंगे जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।